हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टैग माय कॉलेज एंड मैं हूं ध्रुव। आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूं, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी 12th बोर्ड एग्जाम पास किया है और आगे सोच रहे हैं कि कौन से कोर्स में एनरोल करें, बीटेक, बीई, बीएससी एंड अदर कोर्सेज, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के बारे में बेस्ट जॉब्स जो कि आपको क्या कोर्स लेने पर मिल सकती है, आज इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको ऐसी एजुकेशन वीडियोस मिलती रहे। अगर आप 12th में साइंस से पास आउट हैं एंड आप सोच रहे हैं कि आगे क्या स्ट्रीम ली जाए, तो आपके दिमाग में एक बार जरूर आया होगा कि आप बीटेक परस्यू कर सकते हैं किसी भी कॉलेज से, या फिर जेई मेन्स की एंट्रेंस दे सकते हैं। इसी स्ट्रीम्स के अंदर आपके लिए जॉब्स बहुत अच्छी हैं, जिसमें कि पहली जॉब आती है डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स की। इस जॉब का बेसिकली मतलब क्या है, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स में क्या होता है, जो डेली डेटा होता है, डेली लाइफ, डे टू डे लाइफ का, स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट कब सेल हो रहा है, कितने प्रोडक्ट्स की आज बिक्री हुई, किसी भी चीज़ को लेकर डे टू डे लाइफ का जो डेटा होता है उसको एनालाइज किया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा, और उससे फ्यूचर प्रेडिक्शंस, ताकि बिग टेक कंपनी आगे कैसा ग्रो करने वाली है वो पता कर सकें, उससे फ्यूचर प्रेडिक्शंस की जाती हैं एक कंपनी के बारे में, उसकी ग्रोथ के बारे में। तो इस जॉब्स का आज के टाइम में बहुत स्कोप है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग जॉब है इस वक्त, और इसका फॉरेन पैकेज जो लगता है वो है 90 LPA to 1 CR। इजीली आपको फॉरेन में बिग टेक कंपनीज हायर कर लेंगी, हाँ अगर आप अच्छे एनालिस्ट हैं तो। और इंडिया में अगर इसका पैकेज की बात की जाए तो है 14 LPA to 20 LPA। बीटेक से ही रिलेटेड सेकेंड जॉब आती है, वो है AIML से, जो कि स्ट्रीम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम पे हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं अपने होम्स को स्मार्ट बनाने के लिए, ऑल्सो उनका यूज़ किया जाता है ह्यूमन लाइक थिंक एंड डिसीजन मेकिंग करने के लिए। डिफेंस में भी काफ़ी यूज है आज के टाइम पे AI का। मशीन लर्निंग क्या होती है, ऐसी एल्गोरिदम्स ताकि हम उस AI को समझा पाए हम क्या बताना चाहते हैं, या उससे पूछ सकें हम क्या जानना चाहते हैं। इस टाइम पे इस जॉब की भी बहुत डिमांड है, और इसका एवरेज पैकेज लगता है 20 to 30 LPA का इंडिया में। थर्ड जो जॉब इस लिस्ट में अपनी जगह बनाती है वो है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की। जैसे जैसे डेटा बढ़ता जा रहा है, डिजिटल डेटा बढ़ता जा रहा है एंड बिग टेक कंपनीज भी बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे डेटा की जो नीड है वो बढ़ती जा रही है, और इस डेटा की सिक्योरिटी फॉरमोस्ट प्रायोरिटी बन जाती है। ऐसे ही लोग कहते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, जो कि अपनी एडवाइस प्रोवाइड करते हैं कि कैसे, किस तरीके से या किस सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके आप अपना डेटा बचा सकते हैं। ये अपनी एडवाइस बिग टेक कंपनीज को देते हैं, या फिर एज अ इंटर्न या एज अ जॉब प्रोफेशनल हायर होते हैं, ताकि उस कंपनी को मदद कर सके अपना डेटा सिक्योर करने में। इंडिया में इसकी एवरेज पैकेज है 11 LPA, बढ़ता भी है कम भी होता है, डिपेंड्स ऑन व्हाट कंपनी आर यू चूजिंग। फोर्थ जो जॉब है इस लिस्ट में वो है एविएशन इंडस्ट्री की। जैसे जैसे एयर ट्रैवल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एविएशन इंडस्ट्री भी बढ़ती जा रही है, इसी वजह से इसमें जॉब प्लेसमेंट्स बढ़ती जा रही हैं। पायलट्स, इंजीनियर्स एंड एयर क्रू, पायलट्स की बहुत नीड है, अलग अलग कंपनी बहुत जल्दी हायर करती है। इंजीनियर्स की आप किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। ऑल्सो एयर क्रू के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं डजेंट मैटर, इंग्लिश थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। एंड हाँ, फेशियल स्ट्रक्चर ऑल्सो मैटर्स लिटिल बिट, बट इंजीनियर्स के लिए आप स्पेशली एक स्पेशल स्ट्रीम है साइंस की, उसके बाद आपको एक स्पेशल कोर्स करना होता है इंजीनियरिंग का, जिससे आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग में सेलेक्ट होते हैं इस जॉब में। पायलट्स का एवरेज पैकेज ज़्यादा है 50 LPA, ऑल्सो इंजीनियर्स का 20 to 30 LPA, एंड वेरस एयर एंड कैबिन क्रू का ज़्यादा है 20 LPA। एवरेज है, कम बढ़ता रहता है बेस्ड ऑन कौन सी कंपनी आपकी एविएशन की है। अगली जो नंबर इस लिस्ट में जॉब का आता है वो मेडिकल इंडस्ट्री का। इसमें जॉब्स की बहुत डिमांड है, सर्जन, ENT डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, नर्सेस, इसकी डिमांड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एंड हेंस द डिजीजेस एंड हेंस द पेशेंट्स। आज के टाइम पे आपके लिए बेस्ट जॉब अगर आप मेडिकल से हैं, मेडिकल स्ट्रीम से, यानी 12th में आपने PCB से फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो से 12th पास की है, तो आप इस करियर ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप या तो नर्सिंग परस्यू कर सकते हैं अगर आप फीमेल हैं, एंड ऑल्सो अगर आप मेल हैं तो आप डॉक्टर्स जो प्रोफेशन है उनको परस्यू कर सकते हैं, जैसे ENT एंड कार्डियो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सर्जन का थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर आप हाईएस्ट पेइंग जॉब की बात करें मेडिकल इंडस्ट्री में, तो वो है एक सर्जन की, वो मुंह मांगे पैसे लेता है किसी भी सर्जरी की। लास्ट एंड फाइनल जो इस लिस्ट में है वो है फाइनेंशियल इंडस्ट्री की तरफ से
ये जॉब उनके लिए है जिन्होंने अपना 12th कॉमर्स से पास किया है एंड ऑल्सो दे हैव गुड ग्रेड्स इन मैथ्स, जिनके जो बचपन से नंबर से खेले हैं या कह लो खानदानी पेशा है, बचपन से आपने हिसाब किया है, आप इसमें परस्यू कर सकते हैं। इसमें आप इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट एंड ऑल्सो करंटली म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हैं, डीमैट अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप ये सब हैंडल कर सकते हैं, मैथ्स हैंडल कर सकते हैं, तो आप इसमें परस्यू कर सकते हैं। एवरेज पैकेज जो है इसका वो अभी फिक्स नहीं होता है। आप कितना प्रॉफिट कमाते हैं या आप अपने क्लाइंट को कितना प्रॉफिट देते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना पे किया जाएगा। और ये रहे भारत के 2024 में सबसे ज़्यादा चलने वाले जॉब्स, जो कि इस लिस्ट में मैंने आपको बता दिए हैं। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। आगे ही मैं आता रहूँगा इसी एजुकेशनल वीडियोज़ को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।